तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है एक नए वीडियो में फिर से आपका। जैसे कि मेरा नाम है आफ्ताब और आप देख रहे हो टेक्निकल मैकेनिकल। तो गाइज ये है स्विफ्ट, जो कि स्विफ्ट डिज़ायर पेट्रोल है गाइज। 80,000 किलोमीटर चली, 80,100 कुछ दिख रहा आपको, 54 चली है। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ गई है गाइज कि 80,000 में इसकी क्लच प्लेट बैठ गई है। तो क्लच प्लेट बैठने का रीज़न है इसका, देखो ये जो है अपन हाफ क्लच में गाड़ी चलाते हैं और अपन सर्विस सेंटर में गाड़ी देते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि क्लच हाई टाइट करके दे देते हैं हमें कि कभी कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन क्लच जो है ब्रेक के बराबरी में रहना चाहिए हमेशा। तो इसका जो क्लच है वो ऊपर है, तो ऐसे नहीं रहना चाहिए क्लच। और इसका गियर देखो, मैं क्लच डालने के बाद भी इसका गियर ही नहीं जा रहा। ये देखो ये ऐसा घुरघार कर रहा है। ये देखो ये, तो कस्टमर को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। तो अभी हम इसका ये इसको हम गियर ज़बरदस्ती गियर मारेंगे और गाड़ी गैरेज ले जाएंगे, और गैरेज ले जाके इसकी हम क्लच प्लेट उतारेंगे और आपको बताएंगे कि क्लच प्लेट यानी गियर क्यों नहीं लग रही, प्रेशर प्लेट में प्रॉब्लम आया है या क्लच प्लेट में प्रॉब्लम आता है। तो आपको खोल के दिखाएंगे हम कि हाफ क्लच पे गाड़ी चलाने से भी ऐसा होता है। तो आपसे अगर आप पूरा पूरा क्लच दबा के आप गियर चेंज किए करें और छोड़ते भी हो, तो पूरा यानी धीरे धीरे छोड़ के पूरा, और एकदम से कभी भी गाड़ी रेस करके जगह से नहीं उठाना है आपको। जैसे कोई कोई क्या करता है, ये बिल्कुल स्लिप मारते हुए रनआउट करते हुए एकदम गाड़ी जगह से उठाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपकी क्लच प्लेट बहुत चलाना है। मैंने ढाई ढाई तीन तीन लाख चली भी देखा है गाड़ी, तो कुछ नहीं होता है क्लच प्लेट को तब भी, लेकिन कई 40,000 में 50,000 में भसक जाती है। तो ध्यान रखिए आप, मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस गियर बॉक्स जो है पूरा खुल चुका है, और ये देखो ये फ्लाई व्हील है इसकी, और गियर बॉक्स की हालत बताता हूँ आपको मैं क्या हो गई है। देखो ये पूरा घस चुका है, और किसने घसा है वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो इसकी जो प्रेशर प्लेट है वो गाइस टूट चुकी है, बीच में टूट चुकी है। पहला केस हुआ है मेरे लाइफ में, कभी मैंने देखा नहीं प्रेशर प्लेट टूटते हुए। तो प्रेशर प्लेट है देखो पूरी टूट के अंदर घस गई है। ये देखो ये प्रेशर प्लेट के दो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये देखो कोई मतलब के टुकड़े नहीं है, देखो है एकदम टूट के घस घुस के अलग हो गए एकदम। और इसकी क्लच प्लेट भी बता देता हूँ आपको, पूरी जल चुकी है क्लच प्लेट भी। देखो ये प्रेशर प्लेट फेंक दी हमने, और ये क्लच प्लेट है देखो पूरी जल गई है। इसकी जो रिपीट्स है, रिपीट्स पर पूरा माल आ गया है, यानी रिपीट्स पर पूरी चढ़ गई थी वो। और ये प्रेशर प्लेट की तो हालत ही ऐसी हो गई है कि क्या बताऊँ आपको मैं, फिर टूट टाट के अलग होगी। तो ये प्रेशर प्लेट जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी की है। तो अभी देखते हैं, चेक करते हैं इसको क्या विषय है इसका, क्योंकि प्रेशर प्लेट ज़्यादातर कंडीशंस में गाड़ी की टूटती नहीं है। और ये गाड़ी खड़ी है हमारी स्विफ्ट डिज़ायर, तो चेक करते हैं क्यों ऐसा कर रही है। तो गाइज इसका प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है कि इसमें जो लगी है क्लच प्लेट, वो क्लच पे प्रेशर प्लेट इसकी जो है ना, हमने कंपनी से चेक करवाया, तो कंपनी के पार्ट नंबर से चेक करें तो इसमें जो क्लच प्लेट लगी है वो है क्या बोलते हैं वैगन आर की क्लच प्लेट, जो कि टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से तोड़ दे रही थी, इस वजह से प्रॉब्लम आई है इसके अंदर में। और ये क्लच प्लेट है इसकी नई वाली। तो गाइज गाड़ी पूरी अभी पूरे तरीके से कम्प्लीट हो चुकी है। तो पहले आपने देखा था कि गियर इसके जो है लग नहीं रहे थे, क्लच भी देखो अभी बराबर है, यानी इसके पैडल के इसमें बराबर है, और इस देखो एकदम स्मूथ ब्रेक पैडल हो गया इसका, और गियर देखो कितने प्यार से लग रहे अभी। और गाड़ी में पिकअप भी बहुत आ चुका है, जैसे कि देखो अभी यानी गाड़ी में जो तकलीफें थी वो ख़त्म हो चुकी है, जो गियर का प्रॉब्लम आ रहा था गाड़ी में। तो इस तरीके से फॉल्ट क्लियर किया जाता है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।